सो आप दोस्तों आज जो फोन्स कंपैरिजन करने जा रहे हैं, दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। एक हम लोग के पास ओप्पो का रेनो 10 एंड दूसरी तरफ हम लोग के पास मोटो एच 40। आप इन्हीं दोनों को घमासान युद्ध करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओप्पो रेनो 10 यहाँ पे आपको 8.5 mm की थिकनेस के साथ आता है। इसका वेट है 186 ग्राम्स। ग्लास बैक के साथ आता है एंड इसके जो फ्रेम्स हैं वो प्लास्टिक के दिए हुए हैं एंड लुक वाइज काफी कमाल का लगता है। जो कैमरा मॉड्यूल है उसको थोड़ा सा कैप्सूल लाइक लुक दिया गया है जिस वजह से काफी ज्यादा प्रीमियम फील आती है। वहीं पे हम लोग पास दूसरी तरफ है मोटो का H40 जो कि 7.58 mm थिकनेस के साथ आता है एंड वेट इसका काफी ज्यादा कम है 169.9 ग्राम्स। इसमें हमको वैगन लेदर का टेक्सचर देखने को मिल जाता है बैक साइड में, काफी ज्यादा प्रीमियम फील के साथ आता है एंड लुक और डिजाइन ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों फोन्स में से कौन सा पसंद आ रहा है एंड जो भी पसंद आ रहा है उसका जरूर से कमेंट में शेयर करिएगा। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे ओप्पो रेनो 10 में आती है कर्व डिस्प्ले जो कि है 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड विथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का TSR, 950 निट्स के पीक ब्राइटनेस, HDR 10 प्लस का सपोर्ट आता है एंड ये एक 10 बिट वाइड डिस्प्ले है। वहीं पे आपको मोटो H40 में दिया गया है कर्व डिस्प्ले विथ 6.55 इंच की फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले जिसमें आपको 120 हर्ट्ज नहीं 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। साथ ही में 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है एंड एट बेजल से काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है, काफी ज्यादा प्रीमियम फील लुक के साथ आता है। OS की बात करें तो यहाँ पर रेनो 10 में दिया गया है कलर OS 13.1 विद बेज Android 13। थोड़े बहुत ब्रॉडवेयर्स आते हैं इसमें जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, वहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही में इसमें ओप्पो ने प्रॉमिस किया है 3 इयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 4 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे हम लोग मोटो H40 की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MIUX 13 विच इज बेस्ड ऑन Android 13। इसमें आपको ब्रॉडवेयर्स देखने को नहीं मिलता है, गूगल के थोड़े बहुत एप्स आते हैं बट इट इज फाइन एंड मोटो ने प्रॉमिस किया है कि इसमें आपको 2 इयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे विच इज रियली गुड। सो अगर आपको क्लीन एक स्टॉक एंड्रॉइड वाली फीलिंग चाहिए तो आप मोटो तरफ जा सकते हो, नहीं तो आपको ज्यादा अपडेट्स चाहिए तो आप ओप्पो तरफ जा सकते हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर रेनो 10 में दिया गया है डायमेंस्टिक 7050 जो कि एक 6 nm बेस्ड प्रोसेसर है। अंतुतु स्कोर आता है इसका 5 लाख 5.5 लाख के अप्रॉक्स एंड इसमें ओप्पो ने यूज किया है UFS 3.0 स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X रैम। वहीं पे मोटो H40 में आता है डायमेंस्टिक का 8020 जो कि 6 nm बेस्ड प्रोसेसर है। अंतुतु स्कोर इसका 6,85,000 तक अप्रॉक्स आ जाता है एंड मोटो ने इसमें यूज किया है UFS 3.1 स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X रैम। कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है रेनो 10 में 64 MP का मेन सेंसर, 32 MP का टेलीफोटो दिया गया है एंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड दिया गया है एंड फ्रंट में आपको 32 MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है एंड रेयर से आप मैक्सिमम 4K at 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे एंड इसमें आपको OIS देखने को नहीं मिलता है। बाकी फ्रंट में आपको 32 MP की सेल्फी दी गई जिससे आप Full HD at 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। सो ये सैंपल्स आप देख सकते हो रेनो 10 के, काफी ज्यादा बेटर पिक्चर से क्लिक करता है, डायनेमिक रेंज देखोगे, कलर कॉन्ट्रास्ट देखोगे, जो लाइट कंट्रोल करता है वो काफी बेटर करता है, स्किन टोन तरफ भी देखो तो काफी अच्छे आ जाते हैं एंड ये जो ऑप्टिमाइजेशन की फोटोज में डेप्थ आती है वो काफी ज्यादा प्रीमियम फील होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग का मोटो H40 में आता है 50 MP का मेन सेंसर, साथ ही में आपको यहाँ पे 13 MP का अल्ट्रा वाइड दिया गया है एंड इससे आप मैक्सिमम 4K at 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे एंड इसमें आपको OIS भी देखने को मिल जाता है। साथ ही में इसमें आपको फ्रंट में 32 MP की सेल्फी दी गई जिससे आप 4K at 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट देखने को मिलता है, आप मोटो में सेल्फी से भी 4K पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो यहाँ पे आप सैंपल्स देख सकते हो और काफी अच्छे सैंपल्स आते हैं, स्किन टोन सर एकदम डिट्टो आते हैं, टू द पॉइंट आते हैं, काफी अच्छे से डायनेमिक रेंज को मैनेज करता है, काफी अच्छी इस बार ऑप्टिमाइजेशन की है मोटो ने। सो फॉर श्योर अगर आप दोनों कंपैरिजन करते हो तो अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है तो आपको फॉर श्योर यहाँ पर रेनो 10 की तरफ जाना चाहिए। मोटो H40 भी अच्छा है, काफी ज्यादा प्रीमियम फीचर साथ आता है, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है तो आपको रेनो 10 की तरफ जाना चाहिए। बैटरी चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर रेनो 10 में आती है 5000 mAh की बिग मैसिव बैटरी, साथ ही में 67 W की फास्ट चार्जिंग जो कि आराम से एक दिन चल जाएगी। वहीं पे H40 में आपको दिया गया 4400 mAh की बैटरी विद 68 W की फास्ट चार्जिंग, तो ये भी आराम से एक दिन चल जाएगी, बस आपको हो सकता है शाम को इसको चार्ज करना पड़े एक बार। एंड इसमें एक प्रीमियम फीचर और आता है, इसमें आपको 15 W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर रेनो 10 में आता है 14 5G बैंड का सपोर्ट, वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 आता है, NFC का भी सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। वहीं पे मोटो H40 में दिया गया 14 5G बैंड का सपोर्ट, वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 आता है, NFC का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे वीडियो को कंक्लूड करूँ तो अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो प्रीमियम फीचर के साथ आता हो, जिसका कैमरा भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाए, तो डेफिनेटली आपको मोटो तरफ जाना चाहिए एंड इसका आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। बट ये अगर आपने नीड कैमरा है तो आपको ओप्पो रेनो 10 की तरफ जाना चाहिए। सो गाइस यही था पूरा कंपैरिजन ओप्पो रेनो 10 वर्सेस मोटो H40। आप अपना ओपिनियन जरूर से कमेंट में शेयर करिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। जय हिंद।